विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी अयोध्या सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सर्किट हाउस से अयोध्या धाम पहुंचकर रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किया, जिसके बाद ही ताराजी रिजॉर्ट में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन शामिल होकर आगामी 2024 की तैयारियों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि यूपी बिहार झारखंड के 134 सीटों पर फोकस करके सभी तैयारियां की जा रही है। आगे की रणनीति का खुलासा आने वाले समय में ही करेंगे और तीनों राज्यों में संगठन को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मांग है कि यूपी व बिहार में निषादों को SC ST का दर्जा मिले, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक की गई है। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्राइम वीके न्यूज शनि के लिए आजम खान, अयोध्या। नहीं, ये आज अयोध्या मंडल का बैठक था, चार जिला से यहाँ पे पार्टी के वरीय पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आने वाला समय में 2024 का चुनाव है और हम लोग खास करके यूपी बिहार